नमस्ते, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है खजूर की खट्टी मीठी चटनी, जो बहुत हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसे आप समोसे कचौरी के साथ हो या फिर दही भल्ले के साथ हो खा सकते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है। स्पेशली दही भल्ले के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए बनाते हैं खजूर की खट्टी मीठी टेस्टी चटनी, जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकॉन के साथ। तो चलिए अब देर नहीं करते और जल्दी से बना लेते हैं ये टेस्टी टेस्टी वाली चटनी। अब खजूर की चटनी बन रही है तो सबसे पहले तो खजूर की ज़रूरत होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 से 7 खजूर ले लिए थे और उनके बीज निकाल लिए हैं और 5 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 5-10 मिनट भिगो दीजिए और बीज आप ध्यान से निकाल लीजिएगा पूरे। और देखिए, यहाँ पे 4 चम्मच जितना मैंने गुड़ लिया हुआ है और मीठे के लिए गुड़ लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा, और 1 चम्मच भर के मैंने अमचूर पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच सौंठ का पाउडर है, ड्राई जिंजर पाउडर, और ये 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काला नमक, और 1/2 चम्मच से भी आधा यानी कि 1/4 चम्मच मैंने लिया है यहाँ पे प्लेन वाइट वाला नमक, और ये हींग ले लिया है तो हींग हम 2 चुटकी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे खजूर को मिक्सर जार में लेके पेस्ट बना लेते हैं। तो पानी डालकर आप इस तरीके का एक फाइन पेस्ट बना लीजिएगा। ये देखिए, ऐसे एकदम अच्छा पेस्ट बना लेना है आपको। अब यहाँ एक पतीला ले लिया, इसे गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम अभी बंद है, तो ये सारा पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब मिक्सर जार को धोकर 1 कप पानी इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें पानी भी डाल दिया है, अब जो सारे मसाले लिए हैं वो डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देते हैं इसमें गुड़, तो गुड़ आप कम भी डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा मीठा ना खाना हो तो थोड़ी। अब यहाँ पर मैं खट्टी मीठी सी चटनी बना रही हूँ। अब ये 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च थी वो डाल दिया, और 1 चम्मच था अमचूर पाउडर वो भी डाल दिया, 1/2 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर था वो भी डाल दिया, काला नमक भी डाल दिया 1/2 चम्मच, और वाइट वाला नमक भी डाल दिया है, और सोल्ट भी हम इसमें डाल देंगे, ये भी 1/2 चम्मच है। सोल्ट आप ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब देखिए, गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर चालू कर दिया है। अरे हाँ, मैं इसमें हींग डालना तो भूल ही गई थी। ये देखिए, 2 चुटकी जितना हींग है ये भी डाल दिया। अब इसको मिक्स करते हुए हमें इसे अच्छे से उबाल देना है, अच्छे से पका लेना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट में ही ये तैयार हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसे चलाते हुए अच्छे से उबाल लेंगे, पका लेंगे। ये चटनी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपको। खट्टी मीठी सी लगती है और खजूर की है तो बहुत हेल्दी भी है। आप ऐसे भी इसे ढोकले के साथ, या फिर बच्चे तो इसे पराठे के साथ भी खा लेते हैं, मेरे बच्चे तो पराठे और रोटी के साथ भी ये चटनी खा लेते हैं। वैसे तो दही भल्लों के साथ भी बहुत ही अच्छी लगती है, चाट पापड़ी के साथ या फिर पानी पूरी के साथ। तो देखिए, अब यहाँ पर हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और उबाल भी आ गया है हमारी चटनी को। तो हमारी चटनी अब रेडी हो गई है, अच्छे से पक गई है। बस 2 या 3 मिनट लगे हैं उबाल आने में। अब कर देते हैं गैस का फ्लेम बंद और हमारी चटनी एकदम रेडी है। इसे ठंडा होने देंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।